ना काजू ना गरम मसाले, दो स्पेशल ट्रिक से बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर घर पर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए दो बड़े साइज के प्याज, तीन टमाटर, एक कटोरी फ्रेश मलाई, 8-10 लहसुन की कलियां, 6-7 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 250 ग्राम घर में बनाया मैंने ये पनीर, जिसमें से 200 ग्राम के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और 50 ग्राम अलग से रख लिया, उसका आगे चलकर बताएंगे कहाँ इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम पनीर के टुकड़ों को हल्का फ्राई कर लेते हैं, लाइट ब्राउन। इसके लिए लेंगे 1 चम्मच घी, 3-4 चम्मच ऑयल, मैंने सरसों का लिया है, आप जो खाते हैं वो ले लेना। अब इसको गर्म करेंगे। हमारा तेल और घी गर्म हो चुका है, अब हम अपने पनीर के टुकड़े इसमें डाल लेंगे, इन्हें लाइट ब्राउन होने तक तलेंगे। हमारा पनीर लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इसके साथ में आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी जो मेरी अपनी है, वो आजमा कर देखिए। तो जी, हमने लिया है 1 गिलास पानी, इसमें 4-5 बूंद नींबू की डालेंगे और इसी पानी में हम अपना जो भुना हुआ पनीर है वो निकालेंगे। उससे खुशबू भी अच्छी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा और आप आजमा कर देखना, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। मेरा दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे थोड़ा भून कर हम पाउडर बना लेंगे। मैंने टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट लिया है, अब लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर के टुकड़ों को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हम लेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इन्हें तेज आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारे इंग्रेडिएंट भून चुके हैं, अब इन्हें ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम अपने प्याज पीस लेंगे, हमारे इंग्रेडिएंट भी ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी पीस लेंगे। ये है मेरी सेकंड ट्रिक, हमारा बचा हुआ 50 ग्राम पनीर, इसको भी इसके साथ पीस लेंगे। मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच तेल, इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम लेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, पिसे हुए प्याज, इन्हें मीडियम आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जी, हमारे प्याज भून चुके हैं, लाइट ब्राउन कलर हो गए इनका। अब हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 8-10 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला पेस्ट। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देते हैं और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हमें लो से मीडियम फ्लेम रखना है, अभी हमारा मिर्च मसाला भूनने वाला है। बस हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसकी पहचान है, देखिए मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी का पाउडर जो हमने भून लिया था पहले, फ्रेश मलाई, अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम चीनी और अब फाइनली अपने पनीर के टुकड़े। पनीर के टुकड़े जिस पानी में निकाले थे मैंने वही पानी इसमें लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे। हमारा लाजवाब शाही पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।